गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग हो रहा है सुबह, लाइक यहाँ से आउटडोर से मैंने मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दिया है अभी। बीच में इवनिंग वॉक करनी थी, लेकिन इवनिंग में क्या होता है ना, बहुत सारे काम आ जाते हैं, बच्चों का पढ़ाई और फिर डिनर की तैयारी और बहुत कुछ काम रह जाता है मेरा, कभी कभी एडिटिंग होता है। तो इसलिए मैं लास्ट शायद 3 to 4 डेज से मॉर्निंग आ रही हूँ यहाँ पे। यहाँ हम लोग के पास जो ये फील्ड है ना, ये एक फुटबॉल ग्राउंड है, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, यहाँ पे मैं ब्रिस्क वॉकिंग करती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी जॉगिंग करती हूँ। और वहाँ देखिए परी और ओलिविया भी आई है मेरे साथ, तो ओलिविया को भी मैं यहाँ पे लेके आती हूँ, उसको भी मैं खोल देती हूँ, और उसे भी थोड़ा सा चाहिए ना फिज़िकल एक्टिविटी, तो वो भी दौड़ लेती है, मैं भी दौड़ लेती हूँ, और इस तरह से हमारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो या आज का व्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये जॉगिंग रनिंग करने से पहले मैं थोड़ी सी वार्म अप कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ रहता है, तो थोड़ा सा ये स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा वार्म अप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालांकि इवनिंग में जब मैं वॉक पे जाती हूँ तो ये सब नहीं करती हूँ, बट मॉर्निंग में मुझे थोड़ा मेरा बॉडी स्टिफ लगता है और मैं सीधे ही शुरू नहीं करती हूँ एक्सरसाइज करना, तो थोड़ी सी वार्म अप अभी मैं करूँगी, उसके बाद सीधे ही मैं फिर ब्रिस्क वॉकिंग और जॉगिंग करना शुरू कर दूँगी। फिर से एक बार गुड मॉर्निंग गाइस, अब मामा आ रही है, मतलब ओलिविया बहुत बाहर चले गए थे, हम अंकल को देखते हैं, मैंने पकड़ लिया, वो बाहर चले गए, और अब मम्मी से लेके आ रही है, और स्टे तो भी आ सकते थे, उसके मम्मी ने उसे चलने पकड़ लिया, अभी के लिए बाहर। और यहाँ देखिए, मैंने आपको अपने गार्डन का हाल नहीं दिखाया, गार्डन में अभी इस साइड में तो फूल नहीं आए हैं, एक दो ही निकले हैं अभी, यहाँ मैरीगोल्ड भी निकलना बाकी है, कलियाँ निकल रही है, ये देखिए ये कलियाँ निकल रही है, लेकिन यहाँ पे भी ये देखिए सेल्विया थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, और यहाँ जो मैंने लगाया था फ्लावर, तो ये दिस इज़ द नाइस प्लेस फ्लावर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत एडिक्वेट धूप मिलता है और बहुत सारे फ्लावर्स आ गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे ही मुझे फ्लावरिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अच्छा उसका पैटर्न वगैरह बना के इस बार तो मैंने यूँ ही लगा दिया। तो यहाँ ये देखिए जीनिया है, और ये मैरी गोल्ड भी कितने बड़े बड़े हो गए, और यहाँ इस बार मैंने ये नया लगाया था वाइट कलर का मैरी गोल्ड, ये भी अच्छा लगा है, और मतलब बहुत कलर की जीनिया है यहाँ, कैलेंडुला भी लगे हुए हैं, और अभी पिटूनिया भी निकलने लगा यहाँ पे, तो इस वाले साइड पे मेरे अच्छे फ्लावर्स आए हैं, तो नेक्स्ट ईयर से मुझे इसी साइड पे काम करना पड़ेगा। और यहाँ इस बार देखिए ये रजनीगंधा का बड, इस बार ये रजनीगंधा भी निकल रहा है, मैं सोच रही थी इसको ऑनलाइन मैंने परचेज़ किया था कि रजनीगंधा मैंने ऐसे ही ख़रीद लिया, ये कभी नहीं आएगा फ्लावर्स में, लेकिन थैंकफुली इस बार एक लगा है रजनीगंधा। और यहाँ ये देखिए पॉट में मैंने पैंसी दिया था, तो यहाँ पैंसी भी अभी लग रहे हैं, और बाकी यहाँ तो बहुत कम धूप पड़ता है ना, तो यहाँ पे फ्लावर्स आते आते थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। यहाँ हालांकि इस साइड में मेरे फ्लावर्स बहुत अच्छे होते थे, ये जो बॉक्स जैसा दिख रहा है, लेकिन इस बार मैंने नहीं लगाया, तो नेक्स्ट ईयर मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा और वहाँ लगाना पड़ेगा। सो या अभी जाती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, आज वॉक करके आई, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं, अभी ब्रेकफास्ट करना है, परी को भी ब्रेकफास्ट खिलाना है। ब्रेकफास्ट की खबर, तो यहाँ देखिए लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं, आज मुझे बनाना है लबरा, लबरा मीन्स मिक्स वेज। तो यहाँ ये देखिए ये एक कैबेज, फुल गोभी, और नीचे एक कैरेट है, इसको मैंने ब्लांच पे लगाया है। मैं हमेशा ये जो गोभी वाले चीज़ जो होते हैं, जो मार्केट से आए हुए होते हैं ना, उन सबको इस तरह से ब्लांच कर लेती हूँ, ताकि थोड़े से जो भी उसमें टॉक्सिन्स वगैरह हो वो रिलीज़ हो जाए। आई डोंट नो आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, पर मैं हमेशा उसको बनाने से पहले ये इसमें कुक नहीं होगा, ये जस्ट इसमें थोड़े से ब्लांच होगा, और इस पानी को फिर मैं थ्रो कर लूँगी, उसके बाद इस सब्ज़ी को काटूँगी। तो यहाँ मैंने ये देखिए दाल चढ़ाया हुआ है, मैं हमेशा क्या करती हूँ, दाल या चावल जब भी प्रेशर कुकर में चढ़ाती हूँ ना, तो हम लोग हमेशा प्रेशर कुकर में ही चढ़ाते हैं,
तो इसको मैं ओपन में थोड़ा सा बॉईल होने देती हूँ और चावल को भी वही करती हूँ, थोड़ा पानी उसमें ज़्यादा देके इसको ओपन में बॉईल होने देती हूँ। और उसके बाद इसका जो ऊपर वाला जो लेयर आएगा ना उसको मैं फेंक देती हूँ और इसको थोड़े टाइम के लिए इस तरह से मैं ओपन ही उबलने देती हूँ। और ये मुझे मेरे भाई ने बताया था, मेरे बड़े भाई ने, कि इस तरह से क्या होता है जो भी कुछ भी टॉक्सिन्स वगैरह रहेंगे ना वो उड़ जाएंगे। उसके बाद ही मैं उसको प्रेशर कुक करती हूँ। मैं डायरेक्टली इसको एक दाल को चढ़ा के प्रेशर ढक्कन नहीं लगाती हूँ, थोड़ी देर उसको ओपन में करती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है ना कुकिंग, इसलिए मैं खुद करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये जो छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं ना ये बहुत मैटर करते हैं आपके हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। जिस तरह से सब्ज़ी काटी जाती है, जिस तरह से उसको प्रोसेस होता है, तो एवरीथिंग मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अभी फ्रेशली काट के अदरक रखा हुआ है, यहाँ पे मैं जिंजर रखूँगी, उसको फ्रेशली कूटूँगी। पहले मैं जब ऑफिस जाती थी ना तो मैं मिक्सी में संडे को सारा कुछ पीस के फिर रख देती थी फ्रिज में, लेकिन अब मैं घर पे रहने लगी हूँ ना तो जितना हो सके सब कुछ फ्रेशली ही मैं करती हूँ। और यहाँ ये देखिए, दो बास्केट मैं रख लेती हूँ, यहाँ पे मेरे जो भी ग्रीन वेस्ट है, जो छिलके वगैरह है, उसको रखती हूँ। और अंडे अगर हम लोग खाते ना तो उसके छिलकों को यहाँ मैं रख देती हूँ इस तरह से, इसको सुखा के फिर इसका थोड़ा सा इसको क्रश करके मैं फूलों में दूंगी, ये बहुत अच्छा खाद बनता है। और इसका मैंने अभी एक रिसेंटली मैंने किया है, मेरे पास वेस्ट बिन है बाहर पड़े हुए जिसमें गोबर था, पहले गोबर खाद था, जो गोबर खाद अभी ख़त्म हो गया है, तो इन सबको वहाँ पे मैं अभी जमा किए जा रही हूँ ताकि गल जाए, गल के ये खाद बन जाए। इसीलिए सो अभी कुकिंग प्रोसेस मेरा जारी है। और ये चेंज तो मैंने बहुत पहले कर दिया था अपने किचन में यूटेंसिल्स का। पहले हम लोग बहुत नॉनस्टिक पैन वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन अभी मैंने सबको रिप्लेस कर दिया है। इनफैक्ट जो एल्युमिनियम की कढ़ाई वगैरह होती है ना उनको भी मैंने रिप्लेस कर दिया, और मैं अभी स्टील यूज़ करती हूँ, स्टील में ही कुक करती हूँ। और बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल भी नहीं लगता है, बहुत कम ऑयल में ही मैं बना लेती हूँ, उतना अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और हाँ, थोड़ा सा इसमें क्या होता है ना, इन सब कुकवेयर में थोड़ा टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है, गैस को थोड़ा सा लो रखना पड़ता है क्योंकि बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, लेकिन अभी मुझे यहाँ कुक करना अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए, लबड़ा की तैयारी मैंने कर ली है। लबड़ा मतलब मिक्स वेज होता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, बंधा गोभी, कैबेज, और यहाँ पे कैरेट है मतलब गाजर, और यहाँ बैंगन है, एक बैंगन लिया है मैंने, एक आलू लिया है, और यहाँ से थोड़ी सी मैं प्याज और थोड़ा सा टमाटर लूँगी, पूरा नहीं लूँगी, एक और मैं बनाऊँगी आइटम उसके लिए रखा है। और अदरक और लहसुन का पेस्ट है, और इधर ये देखिए खड़े मसाले मैंने लिए हैं, एक लाल मिर्च है, तेज़पत्ता है, थोड़े से गरम मसाला है, इलायची, लौंग वगैरह ये देखिए, और जीरा है और कलौंजी है। और अभी मेरा पैन गरम है, मैं इसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लूँगी, इसमें मैंने एक्चुअली फ़िश फ्राई किया था तो इसी ऑयल में मैं बनाऊँगी, ये देखिए फ़िश है। तो अभी तैयारी शुरू करते हैं लबड़ा बनाने की। तो ये ऑयल अभी गरम है, इसमें मैं अभी ये जो मेरे खड़े मसाले हैं उनको पहले डाल दूँगी, ये थोड़ा सा स्टर लेगा, और चिमनी चलाना मैंडेटरी है, नहीं तो ये पूरा ऑयल ऑयल हो जाता है। तो चिमनी ऑन कर दिया था मैंने, इसलिए वॉइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने कटे हुए प्याज डाला है थोड़े से खड़े मसाले डालने के बाद यहाँ, और इस प्याज को थोड़ी देर मैंने भुना था, उसके बाद थोड़ा भुन जाने के बाद मैंने यहाँ पे जो मेरे कुटे हुए अदरक और लहसुन थे उनको डाल दिया, और उसको डालने के बाद फिर मैंने उनको ब्राउन होने तक थोड़ा सा भून लिया था। उसके बाद मैंने कटे हुए टमाटर डाले थे, बहुत थोड़े से टमाटर डाले थे मैंने, और टमाटर डालने के बाद मैं सीधे ही, अगर मुझे कुकिंग प्रोसेस को थोड़ा सा आगे करना होता है, थोड़ा सा फास्ट करना होता है ना, तो मैं सीधे उसमें नमक डाल देती हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे हस्बैंड को टिफ़िन भी देना होता है तो फटाफट करना होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टमाटर के हिसाब से, मसाले के हिसाब से जितना नमक चाहिए होता है ना उतना डाला, और डालने के बाद फिर मैंने उसको ढक्कन लगा के
थोड़ी देर रख दिया था कि टमाटर फटाफट पक जाए। और ये देखिए, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है यहाँ पे, और अभी थोड़े से मसाले भी डाल दूँगी। ये मेरा मसालों का डब्बा है। और सबसे पहले मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया का पाउडर। धनिया का पाउडर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ। उसके बाद उससे धनिया पाउडर से थोड़ा सा कम जीरा पाउडर डालूँगी। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ये सब्ज़ी मसाला है, इसको भी थोड़ा सा इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी। अभी ये सब डालने के बाद फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करके अभी मैं यहाँ पे थोड़ा पानी डाल दूँगी, क्योंकि थोड़े ड्राई हो गए थे मसाले, तो इनको थोड़ा सा पानी डालने के बाद फिर इसको मैं ढक्कन लगा के मैंने थोड़ी देर इसको पकाया था। और जब टमाटर पूरा गल गया था ना, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मेरी जो कटी हुई सब्ज़ी है वो डाली थी, और उसमें मैं आपको मटर बोलना भूल गई थी उस वक्त, तो मैंने थोड़े मटर भी डाल दिए थे उसमें। ये मिक्स वेज है ना लाबरा है, तो इसमें आप जो भी मर्ज़ी आप सब्ज़ी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और तो यहाँ देखिए, लाबरा को मैंने लगा दिया है ढक्कन, और इसको भी ढक्कन लगा के मैं थोड़ी देर पकाऊंगी। यहाँ मेरे दाल उबल रहे हैं, मैंने इसमें तड़का भी लगा लिया है, और अभी मुझे चाहिए धनिया। और आजकल मेरे किचन गार्डन का ही धनिया मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही एरोमेटिक और बहुत ही फ्रेश धनिया है। मैं थोड़ा सा धनिया लेके आऊँगी अभी। तो ये देखिए मेरा किचन गार्डन, और यहाँ मेरे धनिए लगे हुए हैं। तो थोड़ा जो जो बड़े बड़े धनिया है ना, उसको मैं अभी तोड़ लूँगी। और अभी हम लोग इसी धनिया का ही यूज़ कर रहे हैं, मार्केट से अभी धनिया ला नहीं रहे हैं हम लोग, क्योंकि इससे हम लोग का भी हो रहा है। और ये जब ख़त्म हो जाएगा, मैं सोच रही हूँ और फिर से मैं बीज बो दूँगी, और धनिया इस तरह से किचन गार्डन का ही हम लोग फिर यूज़ करेंगे। और यहाँ देखिए पालक, ये पालक बहुत खा रहे हैं हम लोग आजकल। इसका सैलड बना के सब्ज़ी बना के झोल बना के, ये देखिए धनिया। तो ये जो पालक है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी खाद वगैरह नहीं है गोबर के अलावा, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और स्पेशली मैं बच्चों को खिला देती हूँ, तो रोज़ किसी न किसी इसमें पालक होता ही है मेरे घर में, बस आज मैं नहीं बना रही हूँ। तो अभी ये धनिया को चॉप करूँगी, और दाल में मुझे देना पड़ेगा, सब्ज़ी के लिए भी रख दूँगी। फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पका रही थी। ये बिल्कुल ही सिंपल सी सब्ज़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले बहुत कुछ नहीं था, और साथ ही साथ इस तरफ मैं एग मसाला बना रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल दिया। इस स्टेज में अभी सब्ज़ी पक चुकी है, मतलब जितने भी यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स डाले थे सारे ही पक चुके हैं। तो पकने के बाद इसको मैंने गैस को थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कर दिया है, ताकि थोड़े से इसके एक्सेस जो वाटर है वो सूख जाए। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पेपर पाउडर डाला था। मैं हमेशा कुकिंग में ट्राई करती हूँ पेपर पाउडर डालने का, मुझे अच्छा लगता है इसका फ्लेवर, और लास्ट में ही डालती हूँ ताकि उसका फ्लेवर रहे। और इसके बाद फिर इसको मैंने मिक्स कर लिया, और उसके बाद मुझे लगा कि नमक मैंने डाला नहीं था, तब तो स्टार्टिंग में मसालों के हिसाब से डाला था, तो थोड़ा सा नमक का फिर मुझे ज़रूरत पड़ गया था, तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे नमक डाली। आप सीजनिंग एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद फिर जो मैं धनिया लाई थी बाहर से, उसको मैं चॉप करके रखा हुआ था, तो यहाँ पे बस मैंने उसके ऊपर ये जो चॉप धनिया है उनको डाला, और बस ये लाबरा रेडी। बिल्कुल ही सिंपल है, आप लोग ट्राई। तो फाइनली किचन के कामों से मैं फ्री हो गई हूँ, और सब कुछ मैंने खाना जो बनाया है सबको ढक के रख दिया है, ये दोपहर को हमको खाना है। और यहाँ ये देखिए, पखी को भूख लग जाता है जल्दी, तो उसको मैंने खाना दे दिया वहाँ पे। और अभी ये जो चॉपिंग बोर्ड है इसको मैंने धो के रखा है, इसे मैं बाहर धूप में सूखने के लिए दूँगी। और ये देखिए, ये जो अंडों का छिलका है इनको मैंने क्रश कर लिया है, इनसे इनमें अभी थोड़ा पानी पानी है, इनको भी सूखने दूंगी। और ये जितने कचरे हैं ना ये वाले, इनको मैं ले जाऊंगी और वो जो बिन है वहाँ पे डाल दूंगी। तो मैं नहा धो के फिर सीधे मैं बुटीक के काम पे लग गई, मतलब अपने जो स्टिचिंग के काम है। ये देखिए यहाँ पर सारा कुछ फैलाया हुआ है। ये मैं एक अनारकली सूट बना रही हूँ।
सेल के लिए ही, तो उसका काम आज से मैंने शुरू किया है। अभी कटिंग करके बस बॉटम का पार्ट भी बना रही हूँ, और मोस्ट ऑफली आज तो ये ख़त्म नहीं होगा, इसको ये शायद कल ही ख़त्म होगा, इसका पूरा बॉटम वगैरह सब कुछ, दुपट्टा वगैरह सब कुछ है, पूरा सेट है, तो इसीलिए। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, अभी गर्म पानी चढ़ा के आई हूँ किचन में, मुझे चाय पीना है, थोड़ा सा टी ब्रेक ही ले रही हूँ मैं अभी, उसके बाद फिर से मैं इस काम पे लग जाऊँगी। और दूसरी बात कि अभी कोविड के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हमारे यहाँ पे, लाइक एवरी सिंगल डे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, निकलते ही जा रहे हैं, और घर के मेरे घर के बगल में भी लोगों को हुआ है, तो उनके घर के बाहर पूरा वो कोविड वाला ये लगा हुआ है। तो अभी फिर से लाइक हम लोग सोच रहे थे कि 2022 कोविड फ्री हो जाएगा, पर 2022 भी सेम ही लग रहा है अभी। बट देन एक बात सही है कि मतलब सब जिन जिन को हुआ है वो लोग बोल रहे हैं कि इस बार वाला उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब सर्दी हो जाती है उसके बाद लोग रिकवर कर रहे हैं, तो वो थैंकफुली वो एक बात बहुत अच्छी हो गई है। और बस एक बुरी बात है कि बहुत जल्दी फैल रहा है, इसलिए मतलब केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, मल्टीपल्स में बढ़ रहे हैं अभी। तो मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, लाइक जब कोविड पहले पहले आया था 2020 में, तभी अगस्त में मुझे कोविड हुआ था, तो वो दौर कैसे गुजारा है, होम आइसोलेशन में थे हम लोग, मुझे पहले मेरा पॉजिटिव आया था, बच्चों का नेगेटिव आया था, बच्चों को कोई सिम्टम्स आए भी नहीं थे, लेकिन मेरे साथ रहते रहते मैंने घर में, मैं एक रूम में मैं आइसोलेट होके रह रही थी, फिर भी एक ही घर है और उतना हम लोग उतना ज़्यादा हम लोग ये नहीं कर सकते, तो इवेंचुअली फिर मेरे हस्बैंड को भी सिम्टम्स आए थे, तो फिर उनका हम लोगों ने चेकअप नहीं करा था, लेकिन वही ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन देखते रहना और घर में ही बंद होके रहना बहुत स्ट्रेसफुल जाता है वो टाइम, लेकिन थैंक्स टू आवर नेबर्स, हमारे नेबर्स ने हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, किसी भी चीज़ की कमी हमको महसूस नहीं होने दी, जो भी हमको चाहिए होता था वो दरवाजे के बाहर हो जाता था। मतलब देखिए, एक घर जब दोनों ही हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं तो एक घर, खुद का घर चलाना ही मुश्किल होता है, खुद की खुद के लिए सामान खरीदना ही मुश्किल होता है, लेकिन उस टाइम पे जो हमारे इमीडिएट जो नेबर हैं अनुपदा, उन्होंने बहुत सारा सामान उनको ला ला के दिया, और हम लोग उसके लिए हमेशा ही थैंकफुल रहेंगे। और बहुत सारे नेगेटिव बातें भी हुई थी, बहुत कुछ सुनने को भी मिला था, लेकिन उस चीज़ के बारे में अब बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि तब कोविड बहुत नया था, बहुत लोग एप्रिहेंसिव थे इस चीज़ को लेकर, और जब मैं रिकवर भी हुई थी इसके बाद भी फिर मेरे घर में किसी ने मेड्स नहीं आने दिए थे, कोई आता नहीं था, मतलब जैसे घृणा होती है ना, घृणा की दृष्टि से हम लोग को देखते थे कि कहीं इनसे मिले तो हमको कोविड हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ मैंने ही नहीं बहुत लोगों ने भुगती होगी, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोविड-19 अगर किसी को होता है ना, वो पापी नहीं है, या फिर उसने कोई मतलब बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी है, और अगर अभी तक आपको नहीं हुआ है ना, तो बी थैंकफुल, ये नहीं कि दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने लग जाएंगे कि इसको कैसे हो गया, मुझे तो नहीं हुआ, यू जस्ट बी थैंकफुल कि आपको अभी तक नहीं हुआ है, बिकॉज़ ये इतना कंटेजियस वायरस है कि कभी ना कभी आपको वो छूके ही जाएगा। तो उस टाइम पे ही मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये हर किसी को लग ही जाना है, एक बार तो किसी मतलब सबको होना ही है, लेकिन हाँ, जिसको नहीं हुआ है ना, बी थैंकफुल, और बी थैंकफुल टू दैट गॉड कि अभी तक आप बचे हुए हैं और आप इस तरह से ही बचे रहे, लेकिन किसी और को कभी क्रिटिसाइज़ ना करें इस चीज़ के लिए, क्योंकि कोई बीमारी जानबूझ के नहीं लगाता है। काम लोगों को अपना दिनचर्या संभालना ही होता है, काम भी जाना ही होता है, लोगों से मिलना ही होता है, दुकान जाना होता है, और हम लोग इंसान मतलब एक इनविजिबल वायरस से लड़ने की हमें उतनी शक्ति नहीं होती है, हमको वो हमेशा दिखाई नहीं देता है कि वो कहाँ पर है, देखने वाले दुश्मनों से ही हम लोग बच नहीं सकते हैं ना, तो इनविजिबल दुश्मन से बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जिनको कोविड हुआ है उनको आप जितना हो सके मेंटल सपोर्ट दें, उनको हेल्प करें जो भी उनको हेल्प चाहिए होता है, और एक फैमिली में जब कोविड पॉजिटिव निकलता है तो वो फैमिली किस तौर से गुजरती है वो जिनको हुआ है उनको पता हो।
एक घर में बंद रहना पड़ता है, तबीयत ख़राब होती रहती है, खाना कौन बनाएगा, कौन किसको देखेगा, बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो जाते हैं उस टाइम पे। तो बी एम्पैथेटिक एंड बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम। और आपको अगर खुद को हुआ है तो आपको पता ही लगा होगा कि कैसे इस दौर से लोग गुजरते हैं। और अगर नहीं भी हुआ है ना, तो प्लीज़ आप लोग जिनको हुआ है उनसे एटलीस्ट थोड़ी सी सिंपथी रखे, उनको थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट देते रहे। बस उनसे आप लोग जाके नहीं मिल सकते, लेकिन ओवर फोन या जैसे भी चाहे उनको मेंटल सपोर्ट दे, और उनको कभी घृणा की दृष्टि से ना देखे, क्योंकि बीमारी, मतलब बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो वो बीमार इंसान की गलती नहीं होती है। तो बस आज का ब्लॉग भी मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ, और अभी मैं चाय पीऊँगी। चाय पी के फिर से मुझे इस काम में लगना है, तो इसीलिए होप आपको आज मेरा आज वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, और होप आप लोग भी प्रे करेंगे कि COVID-19 जल्दी से बस चला जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। बाय फॉर नाउ गाइस।